अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क वाले ने अपनी KYC स्टार्ट कर दी है और ये एक बहुत ही बिग न्यूज़ है फॉर जो लोग इस पे मेहनत कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यूज़ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे KYC है क्या, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि KYC है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आप चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, KYC एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पता चल जाता है कि हमारा जो एक्चुअली हमने जो ID बनाई है वो रियल है या फेक है, या हमने मल्टीपल अकाउंट्स तो नहीं बना रखे हैं, हमारा एक ही अकाउंट है। हमें अपने CNIC पे जिस तरह की डिटेल्स होती है उसको वेरीफाई कराना होता है, यानी अपना असल नाम बताना होता है। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो किस तरह होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ और किस तरह हमें पता चलेगा कि इसके नोटिफिकेशन हम पर पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स, जो स्क्रीन पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हमारी पाए की स्क्रीन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन पता चल जाता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो है सिर्फ फेसबुक वेरिफिकेशन के नाम से आया हुआ है, इधर कोई और सी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी चीज़, जब आप जैसे ही अपना पाई नेटवर्क खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पहली वाली स्क्रीन पर ही नज़र आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, उससे 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, उस एप्लीकेशन का नाम होता है यूटी। यूटी ऐप को आपने उसे डाउनलोड करना होगा। आपको तकरीबन स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम तरीका बताऊंगी। मेरे पास जैसे ही वेरीफाई के लिए जो KYC की होती है आ जाता है नोटिफिकेशन, तो मैं आप लोगों को इस पर भी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, क्योंकि मैं भी अपना अकाउंट वेरीफाई कराऊंगी ताकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। अच्छा, वेरीफाई कराना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों ने पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया और उसके बाद उस पर माइनिंग करना छोड़ दी है, तो इस तरह उन्हें ये भी बदल जाएगा कि कितने ज़्यादा अकाउंट्स एक्टिव हैं और कितने जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ाना अपनी माइनिंग करें, बिल्कुल भी उसे स्टॉप ना करें, अगर ऐसा ना हो कहीं आपका नोटिफिकेशन आप तक आए भी और चला जाए। अच्छा फ्रेंड्स, यूटी ऐप में हमें क्या करना होता है, यूटी ऐप में हमारे को साइनअप करना होता है। साइनअप करते वक्त हमें अपनी प्रॉपर डिटेल देनी होती है। डिटेल में आपसे क्या क्या मांगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका रियल नेम होता है, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर होता है, उस पर आपको OPT मिलते हैं। OPT आपको पता है, जिस तरह हम कोई व्हाट्सअप का अकाउंट बनाते हैं तो भी एक वेरिफिकेशन कोड आता है, उसे OPT कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वो सब करना है और इसके अलावा आपको अपनी एक बहुत ज़्यादा जूम करके तस्वीर लेनी होती है उसी वक्त उसी ऐप से, और वो लगानी होती है उसके ऊपर, और इस तरह से आप उसे वेरीफाइड करते हैं और वो पाए के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह हमारी एक प्रॉपर डिटेल उन लोगों के पास चली आती है और इस तरह हमारा अकाउंट बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाता है हैकर से। फ्रेंड्स, इसमें एक और सिस्टम आया हुआ है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपका अकाउंट जो है ना वेरीफाइड करवा देंगे KYC से। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आएं, ये सिर्फ लोगों को लूटने का एक तरीका है। काफ़ी लोग इस स्कैम में आ गए हैं और अपनी ID से भी हाथ धोया है और अपने जो है उन्होंने पैसों से भी हाथ धोया है, क्योंकि कोई वेरीफाई करने का ऐसा अलग से कोई तरीका आया ही नहीं है। जो भी सिस्टम है, जो भी नेटवर्क नोटिफिकेशन है, वो आपको आपके इस एप्लीकेशन में ही मिलेगी। तो बिल्कुल ना घबराएं, आप तक ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा, और अगर आ गया है तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। माइनिंग करते रहें, खुश रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।